हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कमल एकेडमी कोच में। आइए आज फिर से कुछ नया सीखते हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हियर आई एम कुसुमलता, योर साइंस टीचर। वेलकम बैक अवर ऑनलाइन क्लासेस। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी चैप्टर 8 इन साइंस। द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज फूड हेल्थ एंड सेफ्टी। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। वी नीड एनर्जी टू वर्क और टू प्ले। फ्रॉम वेयर डू वी गेट दिस एनर्जी? वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट। बच्चों, हमें खेलने के लिए और काम करने के लिए जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, वो कहाँ से मिलती है? तो ये जो एनर्जी है वो हमें जो हम खाना खाते हैं उससे मिलती है। इसके अलावा ये एनर्जी हमारे जो डैमेज सेल्स होते हैं उनको रिपेयर करने में, हमारी ग्रो करने में और जो भी वर्क होता है हमारा उसको करने में हेल्प करती है। द मटेरियल्स इन द फूड विच हेल्प अस टू रिमेन हेल्थी आर नोन एज न्यूट्रिएंट्स। फूड में जो मटेरियल्स होते हैं जो हमें हेल्थी बनाए रखते हैं उन्हें हम न्यूट्रिएंट्स या पोषक तत्व कहते हैं। लेकिन सभी फूड जो हम खाते हैं उसमें सेम न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं। हमारी बॉडी को गुड एक्सरसाइज, इनफ रेस्ट की भी आवश्यकता होती है, जो हमें कहाँ से प्राप्त होती है? भोजन से ही प्राप्त होती है। हमें हेल्थी रहने के लिए क्लीन वाटर और फ्रेश एयर की भी आवश्यकता होती है। अगर हम बहुत ज़्यादा खाते हैं तो भी हम बीमार पड़ते हैं, और अगर हम बहुत कम खाते हैं तो भी हम बीमार पड़ते हैं। सो टू मेक अवर बॉडी फिट एंड हेल्थी टू वर्क एंड प्ले वी मस्ट ईट अ बैलेंस्ड डाइट। व्हाट इज बैलेंस्ड डाइट? संतुलित आहार क्या होता है? द फूड वी ईट डेली इज आवर डाइट। अ डाइट विच कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन करेक्ट प्रोपोर्शन इज कॉल्ड अ बैलेंस्ड डाइट। जो भोजन हम डेली खाते हैं वो हमारी डाइट होती है। एक डाइट जिसमें सभी न्यूट्रिएंट्स करेक्ट प्रोपोर्शन में होते हैं उसे बैलेंस्ड डाइट कहा जाता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। फर्स्ट वी हैव डिस्कस अबाउट द कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट आर द मोस्ट कॉमन फूड न्यूट्रिएंट्स एंड आर अवेलेबल इजीली। कार्बोहाइड्रेट्स मोस्ट कॉमन फूड न्यूट्रिएंट्स हैं जो इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। एक गरीब भी इसको इजीली अफोर्ड कर पाता है। रेस्पिरेशन के समय इससे एनर्जी प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट के रिसोर्सेज हैं सुगर, पटाटो, सीरियल्स जैसे राइस, व्हीट एक्सेट्रा। नाउ वी हैव डिस्कस अबाउट द प्रोटीन्स। प्रोटीन हेल्प्स द बॉडी टू ग्रो एंड टू रिपेयर आवर डैमेज सेल्स। प्रोटीन्स हमारी बॉडी को ग्रो करने में और जो हमारे डैमेज सेल्स होती हैं उनको रिपेयर करने में हेल्प करता है। प्रोटीन्स के रिसोर्सेज हैं पल्सेस, मींस दालें, मिल्क, मीट, चिकन, फिश, एग्स एक्सेट्रा। अमंग द पल्सेस सोयाबीन इज रैंक द बेस्ट। छोटे बच्चों को प्रोटीन्स की ज़्यादा आवश्यकता होती है और उन्हें ये प्रोटीन्स मदर मिल्क से प्राप्त होता है। नाउ वी हैव डिस्कस अबाउट द फैट्स। फैट्स ऑल्सो प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी। फैट से भी हमारे शरीर को एनर्जी प्राप्त होती है। सेम क्वांटिटी ऑफ फैट्स कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड ऑलमोस्ट डबल द एनर्जी। फैट्स हमारी सेल्स को स्ट्रक्चर्स देते हैं। केवल यही एक न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी में फ्यूचर यूज़ के लिए स्टोर किए जाते हैं। रिसोर्सेज ऑफ फैट्स आर कुकिंग ऑयल्स, बटर, घी, नट्स, एग योक एक्सेट्रा। हाउएवर नियरली 70% ऑफ बॉडीज एनर्जी नीड आर मेट थ्रू कार्बोहाइड्रेट्स। नाउ वी हैव डिस्कस अबाउट द विटामिन्स। विटामिन्स प्रोटेक्ट आर बॉडी फ्रॉम डिजीज एंड कीप अस हेल्थी एंड स्ट्रॉन्ग। विटामिन्स हमारे शरीर की डिजीज से रक्षा भी करते हैं और उसे हेल्थी और स्ट्रॉन्ग भी बनाते हैं। देयर आर नियरली 15 काइंड्स ऑफ विटामिन्स विच आर नीडेड बाय आर बॉडी। किसी भी पर्टिकुलर विटामिन की एक्सेस से शरीर में बीमारी पैदा हो जाती है। द डिटेल्स ऑफ सम विटामिन्स, देयर सोर्सेज एंड देयर डिफिशियंसी सिम्टम्स आर गिवन इन द टेबल बिलो इन योर बुक। सो रीड एंड लर्न दिस टेबल केयरफुली। विटामिन्स एंड देयर सोर्सेज आर गिवन बिलो इन दिस टेबल। ओवर कुकिंग और डीप फ्राइंग मे डिस्ट्रॉय सम ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट विटामिन्स। स्मॉल अमाउंट ऑफ विटामिन बी एंड विटामिन सी विल बी वॉश्ड अवे इफ द वेजिटेबल आर वॉश्ड आफ्टर कटिंग। सो वॉश द वेजिटेबल्स एंड देन कट।
ओवर कुकिंग और डीप फ्राइंग से मोस्ट इम्पॉर्टेंट विटामिन्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। कुछ अमाउंट जो विटामिन बी और विटामिन सी का वेजिटेबल्स को अगर काट कर धोने से भी बह जाता है। सो वेजिटेबल्स को काटने से पहले हमें धो लेना चाहिए। नाउ वी हैव डिस्कस अबाउट द मिनरल्स लाइक विटामिन्स। मिनरल्स ऑल्सो आर नेदर एनर्जी गिविंग फूड्स नॉर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आर बॉडी। विटामिन्स की तरह मिनरल्स ना तो एनर्जी गिविंग फूड्स में आते हैं और ना ही बिल्डिंग ब्लॉक फूड्स में आते हैं, लेकिन इनकी वजह से हमारी बॉडी प्रॉपर ग्रोथ करती है। दे आर रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल क्वान्टिटीज। द रिच सोर्सेज ऑफ मिनरल्स आर कॉमन सॉल्ट, फ्रूट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, सीरियल्स, जागरी एंड मिल्क। वाटर। वाटर ना तो एनर्जी यील्डिंग सब्सटेंस है और ना ही बॉडी बिल्डिंग सब्सटेंस है, लेकिन फिर भी इसकी हमारे शरीर को आवश्यकता पड़ती है केमिकल रिएक्शंस के लिए और बहुत सारे जो फंक्शन है, बॉडी फंक्शंस हैं, उनको रेगुलेट करने के लिए। बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको भी वाटर जो है रेगुलेट करता है। रफेज हमारे फूड का वह पार्ट है जो हमारी बॉडी द्वारा डाइजेस्ट नहीं किया जाता है, उसे रफेज कहते हैं। यह न्यूट्रिएंट्स नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे शरीर के द्वारा डाइट के माध्यम से इसे लिया जाता है। इट हेल्प्स इन रेगुलेटिंग बॉवल मूवमेंट्स एंड ऑल्सो टू रिटेन वाटर इन आर बॉडी। दलिया, जिसे ब्रोकन व्हीट भी कहा जाता है, होल ग्रेन एंड पल्सेस, जिसमें सलाद वगैरह भी आते हैं, यह रफेज के बेस्ट सोर्सेस हैं। एक्सरसाइज मीन्स व्यायाम। रेगुलर एक्सरसाइज करने से हमारी बॉडी फिट रहती है और हमारी मसल्स भी एक्टिव रहती हैं। एक्सरसाइज करने से हमारी बॉडी में जो एक्स्ट्रा फैट होता है वो बर्न होता है, जिससे हम स्लिम ट्रिम बने रहते हैं। ये जो हार्ट बीट होती है उसको भी फास्ट करता है और जो ब्लड सर्कुलेशन है उसे भी इम्प्रूव करता है। एक्सरसाइज करते समय हमारी बॉडी से बहुत स्वेट निकलता है, पसीना निकलता है, जिससे हमारी बॉडी कूल और क्लीन रहती है। पोस्चर, सीधा खड़ा होना और सीधा बैठना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ऐसा करने से हम मोर ऑक्सीजन को ब्रीथ करते हैं और बहुत ज़्यादा ग्रेसफुल भी दिखाई देते हैं। रेस्ट, ज़्यादा समय तक स्टडी करने से और वर्क करने से हमारी बॉडी वीक और इनइफिशियंट हो जाती है। हमारी बॉडी को दोबारा स्ट्रेंथ प्राप्त करने के लिए हमें अपनी बॉडी को रेस्ट देना होता है। रेस्ट करते समय हमारा जो ब्रेन है वो पूरी तरीके से रेस्ट में होता है, हार्ट बीट्स भी हमारी स्लो हो जाती है और हमारी मसल्स पूरी तरीके से रिलैक्स में होती हैं। फूड फैट्स, कुछ फूड के बारे में गलत फहमियाँ भी हैं, फैली हुई हैं। जैसे फर्स्ट है, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। सेकेंड, grapes are good for health. Third, eating lady's fingers means bhindi makes one good in mathematics. Fourth, eating pomegranate and red carrots increase our blood. यह कुछ foods के बारे में misconceptions हैं जो कि पूरी के तरीके से गलत होते हैं। अधिकतर लोग यही सोचते हैं कि जितना एक्सपेंसिव फूड वो खाएंगे उन्हें उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलेगी और उनकी ग्रोथ भी उतनी ही अधिक होगी, लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें फूड हमेशा बैलेंस्ड में ही खाना चाहिए, संतुलित आहार ही हमें ग्रहण करना चाहिए। अगर हम उसे करेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं खाते हैं तो वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा साबित नहीं होगा। वाट इज़ हाइजीन? प्रैक्टिस दैट हेल्प्स इंश्योर क्लीननेस एंड गुड हेल्थ आर नोन एज हाइजीन। हमेशा अपने स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखने के लिए जो हम साफ़ सफाई की प्रैक्टिस करते हैं उसी को हाइजीन या स्वच्छता कहा जाता है। गुड हाइजीन के द्वारा हम बीमारियों को होने से रोक सकते हैं। गुड हाइजीन में निम्नलिखित चीज़ें आती हैं, जैसे फर्स्ट है, टेकिंग बाथ एवरी डे, मीन्स हमें डेली नहाना चाहिए। सेकेंड, वॉशिंग हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर एवरी मील, खाने से पहले और खाने के बाद हमेशा अपने हाथों को धोना चाहिए। थर्ड, चेंजिंग स्वेटी क्लॉथ्स आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम योर स्कूल और प्ले, जब कभी भी हम स्कूल से वापस आएँ या खेल कर वापस घर आते हैं तो हमें अपने जो पसीने वाले कपड़े होते हैं उन्हें चेंज कर लेना चाहिए। द फोर्थ पॉइंट इज ब्रशिंग टीथ प्रॉपरली विद टूथ ब्रश एंड पेस्ट एवरी मॉर्निंग एंड नाइट बिफोर स्लीपिंग एंड प्रेफरेबली आफ्टर एवरी मील।
हमेशा मॉर्निंग में और नाइट के समय सोने से पहले हमें क्या करना चाहिए, अपने टीथ को ब्रश करना चाहिए टूथपेस्ट और ब्रश के द्वारा उसे ब्रशिंग करना चाहिए, और आफ्टर एवरी मील भी हमें अपने टीथ को ब्रश करना चाहिए। फिफ्थ, वॉशिंग योर हैंड्स आफ्टर गोइंग टू दी टॉयलेट विद सोप, हमेशा टॉयलेट जाने के बाद में अपने जो हाथ हैं उन्हें हमें सोप से वॉश करना चाहिए। सिक्स्थ, कीपिंग योर सराउंडिंग्स क्लीन, अपनी सराउंडिंग्स को अपने आस पड़ोस को हमेशा साफ रखना चाहिए। सेवन्थ, रेगुलर एक्सरसाइज एंड रेस्ट आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा के जो नियमित व्यायाम होते हैं और जो हमारा आराम होता है वो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एट्थ, वेयरिंग क्लीन क्लॉथ्स, हमेशा साफ कपड़े ही पहनना चाहिए। नाउ वी हैव डिस्कस अबाउट द डिसीज मीन्स बीमारियाँ। एनी डिविएशन इन द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड अ डिसीज। जब हमारी जो बॉडी होती है नॉर्मल फंक्शनिंग से अगर उसमें कोई विचलन आ जाता है तो उसे ही डिसीज कहा जाता है। दिस मे बी ड्यू टू सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म और मल फंक्शनिंग इन द बॉडी। ये किसी के भी द्वारा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, या जो हमारी बॉडी में कोई सी तरह की कोई खराबी आ जाती है तो उसके द्वारा भी ये हो सकती हैं। डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म आर नोन एज पैथोजेंस, जो डिसीज पैदा करने वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें पैथोजेंस या रोगजनक कहा जाता है। डिसीज को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट है नॉन कम्युनिकेबल एंड सेकेंड है कम्युनिकेबल डिसीज। द फर्स्ट वन इज नॉन कम्युनिकेबल डिसीज मीन्स गैर संचारी रोग, द डिसीज विच कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर आर कॉल्ड नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। वह बीमारियाँ जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के द्वारा नहीं फैलती हैं उन्हें नॉन कम्युनिकेबल डिसीज कहा जाता है। इसमें आपकी सभी विटामिन डिफिशेंसी डिसीज आती हैं, ऑल मिनरल्स डिफिशेंसी डिसीज आती हैं, हार्ट डिसीज आती है, डायबिटीज एक्सेट्रा, ये सभी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज हैं। डिसीज ड्यू टू द डिफिशेंसी ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स की कमी से होने वाली बीमारियों के बारे में अब हम आगे स्टडी करेंगे। देयर आर मैनी मिनरल्स विच आर इसेंशियल टू अस, कई मिनरल्स हमारे लिए बहुत आवश्यक होते हैं। मिनरल्स का हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, और अगर इनकी अगर कमी हो जाती है या ये बिल्कुल नहीं मिल पाते हमारे शरीर को तो उससे कई बीमारियों को भी जन्म हो जाता है। A few of them are given below. इनमें से कुछ यहाँ दिए जा रहे हैं। The table shows the importance of four minerals. Four minerals यहाँ पर दिए गए हैं इस टेबल में, जिसको आप पढ़ सकते हैं। जैसे फर्स्ट यहाँ दिया है कैल्शियम एंड फास्फोरस। कैल्शियम और फास्फोरस की कमी से हमारी बोन्स और टीथ में कुछ डिफेक्ट आ जाते हैं। सेकेंड है आयरन, आयरन से एनीमिया की कमी हो जाती है, और आयोडीन से हमारा जो नेक होता है नेक के पास में स्वेलिंग हो जाती है जिसे गोइटर कहा जाता है। ये बीमारियां इन मिनरल्स की कमी से हो जाती हैं। इन मिनरल्स को की कमी को पूरा करने के लिए कुछ सोर्सेज हैं जिनको हमें नियमित अपने भोजन में लेना चाहिए, जैसे मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट, स्पिनेच, एप्पल, ब्रिंजल, पल्सेस और लीवर, जागरी, आयोडाइज सॉल्ट, मीट और सी फूड को हमें हमेशा अपने भोजन में सम्मिलित करना चाहिए। नाउ वी हैव डिस्कस अबाउट दी कम्युनिकेबल डिजीज मीन्स संचारी बीमारियाँ। यह वह बीमारियाँ होती हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में लिविंग या नॉन लिविंग एजेंट के द्वारा आपकी फैलती हैं, उसे कम्युनिकेबल डिसीज कहा जाता है। कम्युनिकेबल डिसीज में लिविंग एजेंट जैसे आपके वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगी, इंसेक्ट एक्सेट्रा आते हैं, इनके द्वारा ये बीमारियाँ फैलती हैं। कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ दिए जा रहे हैं। फर्स्ट है आपका वायरस के द्वारा फैलने वाली बीमारियाँ जैसे एड्स, रेबीज, मम्स, मीजल्स, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स और हेपेटाइटिस। बैक्टीरिया के द्वारा फैलने वाली कुछ बीमारियाँ जैसे टाइफाइड, टीवी, टिटनस, कॉलरा, डिप्थीरिया, लेप्रोसी। फंगी के द्वारा स्किन इन्फेक्शंस होते हैं। फोर्थ है प्रोटोजोआ के द्वारा फैलने वाली कुछ बीमारियाँ जैसे मलेरिया और स्लीपिंग सिकनेस। इंसेक्ट के द्वारा भी कुछ बीमारियां फैलती हैं जैसे हाउस फ्लाई है, हाउस फ्लाई के द्वारा टाइफाइड फीवर और कोलेरा होता है, और रेड फ्ली के द्वारा प्लेग होता है। कम्युनिकेबल डिसीज जो है वो नॉन लिविंग एजेंट के द्वारा भी फैलती हैं। नॉन लिविंग एजेंट में हमारे एयर, वाटर और सॉइल आते हैं जिनके द्वारा ये बीमारियाँ ट्रांसमिट होती हैं। दे ओनली ट्रांसमिट द डिसीज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर बट डोंट एक्चुअली कॉज द डिसीज।
जो बीमारियां हवा के द्वारा फैलती हैं उसे एयर बॉर्न डिसीज कहा जाता है, जैसे कॉमन कोल्ड, टीबी, मीसल्स एक्सेट्रा। जो बीमारियां वाटर के द्वारा फैलती हैं उन्हें वाटर बॉर्न डिसीज कहा जाता है, जैसे टाइफाइड, कॉलेरा, जॉइंडिस एक्सेट्रा। और कुछ बीमारियां डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से फैलती हैं, जैसे एड्स, हेपेटाइटिस बी एक्सेट्रा। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो डिजीज को ट्रांसमिट करते हैं उन्हें विक्टर्स कहा जाता है, जैसे मॉस्किटो मलेरिया और डेंगू का विक्टर है। सभी तरह की कम्युनिकेबल डिसीज़ को हम अगर हम अपनी सराउंडिंग्स को साफ रखते हैं और गुड हेल्थ गुड हाइजीन का भी यूज़ करते हैं, मेंटेन रखते हैं, तो उसको हम रोक सकते हैं। इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, जो फ्लाइज की और मॉस्किटोज़ की जो ब्रीडिंग होती है उनको भी हम रोक सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा फूड और जो वाटर होता है उसको भी हम प्रदूषित होने से रोक सकते हैं। वैक्सीनेशन मीन्स टीकाकरण। इट इज़ अ मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग जर्म्स फ्रॉम कॉजिंग डिसीज इवन व्हेन दे एंटर योर बॉडी। ये एक तरीके का वह मेथड होता है जिसके द्वारा जो जर्म्स होते हैं बीमारी पैदा करने वाले वो हमारी बॉडी में एंटर होने से रुक जाते हैं। एक वैक्सीन ओरल ड्रॉप्स या इंजेक्शन के रूप में हो सकती है। जब वैक्सीन हमारी बॉडी के द्वारा ली जाती है तो हमारी बॉडी इमीडिएटली अलर्ट हो जाती है और जो जर्म्स होते हैं उनके खिलाफ लड़ने के लिए कुछ सब्सटेंस जो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होने लगते हैं। हर बीमारी की स्पेसिफिक वैक्सीन होती है। जो पावर है, जो बीमारी के खिलाफ लड़ने की पावर जो होती है उसे हम इम्यूनिटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, वैक्सीन्स आर अवेलेबल फॉर डिसीज़। जो डिसीज़ हैं जिनके लिए वैक्सीन्स अवेलेबल हैं वो है कॉलेरा, टाइफाइड, टिटनस, पोलियो, मीसल्स, चिकन पॉक्स, टीबी। इनमें ये सभी जो वैक्सीन्स हैं वो इंजेक्शन के रूप में ली जाती हैं, ओनली पोलियो को छोड़कर। पोलियो की जो वैक्सीन है वो अभी ओरली आपकी दी जाती है। वैक्सीनेशन इज़ गुड टू प्रिवेंट मैनी डिजीज़। प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर। सो फार देयर इज़ नो वैक्सीन फॉर एड्स डिजीज़।